बोलने बोले था, इसने बोला छोड़ दे, ई रिक्शा वालों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जम्मू से आए दिन कई खबरें सामने आती है। ई रिक्शा चालक टूरिस्ट जो है वो रेलवे स्टेशन उतरता है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक का जो है उसे 150 रुपया मांग जाता है। टेम्पो वाला 10 रुपए 15 रुपए में लाके छोड़ देता है। टेम्पो नहीं है, 50 रुपए तूने बोला तेरे बैठा मैं, ठीक है बात होती है 50 रुपए की। जब उसे बिठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि 50 रुपए दे दीजिए हम आपको उतार देंगे, लेकिन बीच रास्ते में उसे उतार के कहा जाता है कि आप हमें 100 या 150 रुपया दीजिए। टेम्पो वाला 10 रुपए 15 रुपए में लाके छोड़ देता है। टेम्पो है, टेम्पो नहीं है, 50 रुपए तूने बोला तेरे बैठा मैं, ठीक है लू 50 रुपए किस बात के, 50 रुपए लू कैसे, किस बात के, किस बात के, 50 रुपए में होगा, 50 रुपए में बोला तेरे बैठा मैं, 50 रुपए में रेलवे से हो यार, दूसरा बैठे नहीं क्या बैठा, ड्रामा नहीं करना, लेने नहीं, क्या नहीं लेने, पैसे नहीं लेने, क्यों नहीं लेने, क्यों नहीं लेने, फिर ले भी क्यों नहीं लेने पैसे, वो कोई MLA या मिनिस्टर साहब उतरेंगे, जितना बोला उतना लेने, बोला तो मैं 150 है लेकिन मैं लेने भी आया। ई रिक्शा वालों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जम्मू से आए दिन कई खबरें सामने आती हैं। एक और वीडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। ई रिक्शा चालक टूरिस्ट जो है वो रेलवे स्टेशन उतरता है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक का जो है उसे 150 रुपया मांगा जाता है। बात होती है 50 रुपए की। जब उसे बिठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि 50 रुपए दे दीजिए हम आपको उतार देंगे, लेकिन बीच रास्ते में उसे उतार के कहा जाता है कि आप हमें 100 या 150 रुपया दीजिए तभी हम आपको वहां छोड़ेंगे, नहीं तो उसके साथ बदतमीजी जो है वो भी की गई। वीडियो आपके समक्ष रखा मैंने, आप वीडियो को देखिए, आप तय करें। लगातार जो है ई रिक्शा चालक जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ई रिक्शा चालक जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसे वसूल नहीं कर रहे हैं, जितना किराया कहा गया है उतना ही किराया लिया जा रहा है, अगर इतना ही लिया जा रहा है तो जनाब ये वीडियो क्या है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए किस तरीके से जो बाहर से शख्स हमारे जम्मू में पहुंचता है मंदिरों के शहर में, उसके साथ उसे लूटने का किस तरीके से प्रयास किया जाता है। ये तो बाहर के लोग हैं जनाब, यहाँ के जो लोग हैं जम्मू के आम शहरी हैं उन्हें भी ये लोग नहीं बख्शते। कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, उसे भी बिठाते हैं, कहते हैं 20 रुपए 50 रुपए, जब उतारते हैं कहते हैं 100 रुपया दीजिए तभी उतारेंगे, नहीं तो उन्हें घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ,
जितने भी कुछ होंगे, बीच में अच्छे लोग भी होंगे जो जायज ड्यूटी कर रहे हैं, जायज लोगों से किराया वसूल रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया ये काफी शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, क्योंकि एक टूरिस्ट था जो बाहर से जम्मू पहुंचा था, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड उसे जाना था, जो किराया बनता था उस किराए को छोड़कर 150 रुपया मांगा गया और बाद में उसके साथ बदतमीजी भी की गई। इस वीडियो को जितना से उतना शेयर करें, आप लोगों की राय बहुत जरूरी होगी। अगर आपके साथ भी कभी ई रिक्शा चालक इस तरीके से करते हैं तो आप हमारे पेज जो फेसबुक का नंबर है या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7006084181 पर उस वीडियो को बनाकर शेयर करें, हम आपकी खबर फ्लैश करेंगे। और हम कहेंगे, हम आरटीओ जम्मू से भी कहेंगे, डीसी जम्मू से भी कहेंगे, इस तरीके के ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, इनके रिक्शा सीज होने चाहिए, ताकि फिर कोई टूरिस्ट जब जम्मू में पहुंचे उसे इस तरीके से शर्मिंदा ना होना पड़े, इस तरीके से उसके साथ बदतमीजी जो है वो ना की जाए। आपको क्या लगा, आप अपनी कमेंट सेक्शन में रखिए, वीडियो को शेयर करें। के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।